गुड मॉर्निंग, मैं आशीष। आज विश्व पटल में चर्चा का विषय है कि ईरान परमाणु बम बना लिया है या परमाणु बम बनाने के कगार पर पहुंच चुका है। ऐसा इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का रिपोर्ट है। चलिए इस चर्चा पर हम लोग बात को आगे बढ़ाते हैं और मुद्दा को समझते हैं। इसको समझने के लिए हम लोग तीन बातों पर ध्यान देंगे। पहला है, जैसा कि ईरान का परमाणु बम बनाना, यानी इसको समझने के लिए हम लोग तीन बातों पर ध्यान देंगे। पहला, ईरान का परमाणु प्रोग्राम देखेंगे, परमाणु कार्यक्रम देखेंगे। दूसरा देखेंगे हम लोग JCPOA, और तीसरा देखेंगे अगर ईरान परमाणु बम बना लेता है तो विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी अलग अलग देशों पर प्रभाव। देशों पर प्रभाव, इसमें मुख्यतः हम लोग अमेरिका, यूरोपियन कंट्री, इजराइल, सऊदी अरब और भारत का देखेंगे संक्षेप में ही, है ना। तो ये तीन पॉइंट पर हम लोग चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ये पॉइंट इसलिए पहले बता दिए ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं हो। क्लियर, चलिए शुरू करते हैं। ईरान का परमाणु कार्यक्रम, ये शुरू हुआ था 1950 में ईरान का परमाणु कार्यक्रम शुरू हुआ था, और ये शुरू हुआ था अमेरिका के सहयोग से 1950 में, अमेरिका के सहयोग से। 50 के दशक में और 1950 से लेकर 1979 तक जो ईरान था, इजराइल और अमेरिका का बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था, क्योंकि ईरान में कोई भी कट्टरवादी इस्लाम वाला कोई माहौल नहीं था, और वो इजराइल और अमेरिका के प्रभाव में था, ईरान प्रभाव में था। इसलिए अमेरिका से दोस्ती होने के कारण ईरान अमेरिका और इजराइल को पेट्रोल यानी कच्चा तेल प्रोवाइड करता था, बदले में इजराइल और अमेरिका से इसको ईरान को टेक्नोलॉजी मिलता था। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए अमेरिका ने ईरान में परमाणु कार्यक्रम चलवाने का फैसला किया, उसको अधिकार दिया, और पहला परमाणु प्रोग्राम 1950 में शुरू हुआ। इस प्रोग्राम को कहते हैं क्या, एटम्स फॉर पीस। इस प्रोग्राम का नाम रखा गया एटम्स फॉर पीस। क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बात आगे बढ़ता रहा, परमाणु प्रोग्राम आगे चलता रहा, लेकिन 70 का दशक में ईरान में इस्लामिक क्रांति शुरू हो जाता है, यानी ईरान में कट्टरवादी जो इस्लाम होता है उसका शुरुआत हो जाता है। कुछ गुट था, कुछ समूह था जो कट्टरवाद को बढ़ावा दे रहा था, उसमें से एक था आयतुल्ला रूहल्ला खोमैनी, जिसका नेतृत्व में इस्लामिक क्रांति चल रहा था। अमेरिका को शक होने लगा कि हो सकता आज न कल ईरान में तख्ता पलट हो जाएगा। अभी तक ईरान में पहलवी वंश का शासक था, किसका था, पहलवी वंश का शासक था, इसका राजा था शाहराजा। यह उदार किस्म का था, कट्टरवादी नहीं था, और यूरोपियन कंट्री अमेरिका के प्रभाव में था। लेकिन अगर इसका सत्ता बदल जाता और कट्टरवादी इस्लाम आ जाता ईरान में, तो निश्चित है जो परमाणु प्रोग्राम चल रहा था, जो परमाणु कार्यक्रम चल रहा था, वो क्या होता, अभी जो बिजली इससे बनाया जा रहा था उससे परमाणु बम बनाए जाने लगता। इसी बीच 1970 में क्या हुआ कि 1970 में अमेरिका ने ईरान से परमाणु अपसारण संधि पर हस्ताक्षर करवाया, परमाणु अपसारण संधि। इसका कारण आप समझ चुके होंगे, संधि साइन करवाने के कारण, क्योंकि ईरान में कट्टरवादी इस्लामिक आंदोलन हो रहा था, सत्ता बदल सकता था, और कहीं परमाणु कार्यक्रम का गलत इस्तेमाल नहीं हो, अभी बिजली बनाने के लिए किया जा रहा था, बाद में जाकर परमाणु बम न बनाया जाए, इसलिए इस पर यह अमेरिका साइन करवा लिया ईरान से। अमेरिका का शक सही साबित हुआ, और 1979 में यानी 1979 में पहलवी वंश जो था, इसका शासन का अंत होता है, शाहराजा का शासन का अंत होता है,
और सत्ता पर बैठता है आयतुल्ला रूहल्ला खोमेनी, लिख देते हैं। सत्ता पर बैठता कौन? तो आयतुल्ला रूहल्ला खोमेनी, ठीक है ना, ये सत्ता पर बैठता है। ये कट्टर इस्लाम को मानने वाला होता है और देश में कट्टर इस्लाम का शासन लागू कर देता है। इसके बाद 1979 का पूरा माहौल बदल जाता है। 1979 के बाद पूरा माहौल बदल जाता है। अब जो सत्ता पर बैठा हुआ जो राजा था आयतुल्ला रूहल्ला खोमेनी था, अब वो अमेरिका और इजराइल से दुश्मनी करने लगा। इसका कारण था कि ये जो बैठ कर सत्ता पर बैठ कर ये फलस्तीन का साथ देने लगा। अब फलस्तीन का साथ देने लगा ईरान, तो निश्चित है इजराइल का दुश्मन हो जाएगा और अमेरिका का दुश्मन हो जाएगा, ठीक है। ये तो दुश्मनी ले ही लिया, साथ में अब इसको चाहिए क्या, इसको इसका मानना था कि अब हम परमाणु बम बनाएंगे। यानी कि जो 1979 के बाद पूरा रूपरेखा बदल गया, 1979 के बाद क्या हुआ, पूरा अब ईरान का रूपरेखा बदल गया। अब सीधे चीजें, उसको बिजली बनाना ही नहीं सिर्फ है, अब इसको परमाणु बम चाहिए, परमाणु बम। अब भाई इसको परमाणु बम क्यों चाहिए, ये भी कारण था। इसका कारण था कि इसको इस्लाम जगत में खलीफा बनना था, ईरान को इस्लाम जगत में खलीफा बनना था। खलीफा बनने का मतलब होता है नेता, पूरा इस्लामिक कंट्री का नेता सर्वोच्च बनना था। परमाणु बम रहता तो दबदबा रहता। दूसरा, सऊदी अरबिया जहाँ पर मक्का मदीना है, सुन्नी मुस्लिम वहाँ रहता जो अपने आप को सर्वश्रेष्ठ मानता है। सऊदी अरबिया अपने आप को पूरा मुस्लिम समुदाय का हेड मानता था, और उसको दबाने के लिए ईरान के पास क्या होना चाहिए था, परमाणु बम रहता तो दबा सकता था। क्योंकि शिया, जो शिया होता है वो सुन्नी से कमतर होता, ऐसा सुन्नी मुस्लिम का मानना है ना। तीसरा बात था कि जो तुर्की है, तुर्की को भी थोड़ा दबाना था, और चौथा पांचवा भी तो यूरोपियन कंट्री और इसराइल को तो खैर दबाना ही था। इसलिए अपना प्रभाव जमाने के लिए 1979 के बाद ईरान जो है परमाणु बम बनाने का जुगाड़ में लग गया, टेक्नोलॉजी जुगाड़ करने लगा, ठीक है। यहाँ तक बात आप समझ गए, और ये बात चर्चा हुआ इस पोर्शन का, ईरान का परमाणु कार्यक्रम का, ठीक है। और 1979 से ईरान क्या हुआ, परमाणु बम बनाने के का रास्ता पर चल निकला, ठीक है, बात चलता रहा। अब आता है क्या, 2010 के आसपास हम लोग आ जाते हैं। तब तक ईरान टेक्नोलॉजी जुगाड़ कर रहा था और अपना परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम में लगा पड़ा हुआ था। 2010 आ जाता है, ठीक है ना, 2010 के बाद फिर एक रूपरेखा चेंज होता है, ठीक है ना। तो अब हम लोग शुरू करते हैं इस टॉपिक पर बात करना, JCPO पर। तो 2010 में क्या होता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी दावा करता है कि ईरान जो है परमाणु बम बनाने के कगार पे पहुंच चुका है ना। दावा करता है कि परमाणु बम बनाने के कगार पर पहुंच चुका है, क्योंकि अलग अलग देशों का अपना अपना खुफिया एजेंसी रहता है, किसी तरह से पता चल ही जाता है। पूरा यूरोपियन कंट्री में हड़कंप मच जाता है कि ईरान को किसी भी तरह से परमाणु बम नहीं बनाने देना है, और उस पर कंप्लीट आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। अमेरिका हो चाहे यूरोपियन कंट्री हो, है ना, सभी मिलकर ईरान पर कठोर आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, जिसके क्या होता है कि आपका ईरान का जो इकोनॉमी होता है पूरा टूट जाता है, पूरा चरमरा जाता है। लास्ट में ईरान को यूरोपियन कंट्री और अमेरिका के आगे झुकना पड़ता है, और कहता कि ठीक है, अपना हम परमाणु बम बनाने का जो कार्यक्रम है उसको रोकते हैं। और इसके बाद अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के साथ एक समझौता होता है, उस समझौता को ही JCPOA कहते हैं। यह समझौता 2015 में हुआ था, ठीक है, JCPOA। इसका फुल फॉर्म होता है, लिख दे रहे यहां पर, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, ठीक है, यह होता है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम ऑफ एक्शन, JCPO, ठीक है। यह साइन करता कब, यह होता है 2015 में। साइन किसके बीच में होता है, साइन होता है, लिख दे रहे यहां पर, P5, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है, P5+1+ यूरोपियन यूनियन। P5 मतलब जो सुरक्षा परिषद में, सिक्योरिटी काउंसिल में जो 5 वीटो प्राप्त किया हुआ जो कंट्री है, कौन कौन है, अमेरिका है, रूस है, चीन है, फ्रांस है, और यूके है, ठीक है ना। ये 5 कंट्री, ये 5 कंट्री हो जाएगा,
पहले से एक जर्मनी को रख लीजिएगा, वन में जर्मनी और यूरोपियन यूनियन, इनके बीच में प्लस ईरान के बीच में, ईरान के बीच में क्या होता है, समझौता होता है। समझौता के तहत यह फैसला हो जाता है कि ईरान अपना परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम को छोड़ देगा, केवल ईरान बिजली बनाने के लिए अपना परमाणु कार्यक्रम को चलाएगा। ठीक है, दूसरा था, लिख दे रहे आगे के स्थिति में हम लिख दे रहे हैं, चलिए इसको मिटा दे रहे फिलहाल, इसका तो काम हो गया। चलिए ठीक है, हम लोग पढ़ रहे हैं क्या है, JCPOA। ठीक है, इसका तो 2015 में होता है, ये साइन होता है, किसके बीच में होता है बताए दिए, P5+1+ यूरोपियन यूनियन के बीच में होता है। इसमें यह फैसला होता है कि परमाणु बम, ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, परमाणु बम नहीं बनाएगा, इसके लिए कोई भी टेक्नोलॉजी हासिल नहीं करेगा। दूसरा होता है कि केवल बिजली बना सकता है, बिजली बना सकता है। तीसरा, जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के देखरेख में इसका परमाणु कार्यक्रम, यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम रहेगा, है ना, कार्यक्रम रहेगा, ठीक है ना। इतना करना था ईरान को, बदले में क्या मिलता, बदले में मिलता ईरान को आर्थिक प्रतिबंध में ढील, उसमें छूट। ठीक है, आर्थिक प्रतिबंध में बदले में मिलेगा क्या, बदले में आर्थिक प्रतिबंध कम होगा, में कमी। क्लियर, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। यह समझौता का विषय था, यह हुआ था कब, 2015 में। यह आपका JCPOA के बारे में एक बेसिक नॉलेज हो गया। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, JCPOA से आगे होता क्या है कि 2018 में ट्रंप सरकार, डोनाल्ड ट्रंप जो रहते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति, वो इस समझौता से बाहर निकल जाते हैं। अपने आप को 2018 में अपने आप को ट्रंप क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। ट्रंप का ये विश्वास था और ये कहना था कि जो JCPOA है वो इसका पालन ईरान ढंग से नहीं कर रहा है। कैसे, ये चुपके चुपके परमाणु कार्यक्रम चला रहा है, जैसा अमेरिका को खुफिया एजेंसी से पता चला कि चुपके चुपके अपना परमाणु बम बनाने कार्यक्रम चला रहा है, और उसके बाद ये आराम से आर्थिक प्रतिबंध में जो ढील मिला है, जो फायदा मिला है, उसका भी फायदा ये उठा रहा है। इसलिए कोई फायदा है नहीं इस संधि का, और ये अमेरिका अपने आप को बाहर निकाल लिया 2018 में। लेकिन अमेरिका निकल गया है, ये संधि अभी भी तकनीकी रूप से बरकरार है, क्योंकि ये समझौता केवल अमेरिका के साथ नहीं हुआ था, ये अन्य देशों के साथ भी हुआ था, यूरोपियन यूनियन के साथ भी हुआ था, इसलिए तकनीकी रूप से अभी भी यह समझौता है। ठीक है ना, 2018 का यह बात है। वही ईरान का कहना है कि JCPOA में यह जो देश था आपका P5+1+ यूरोपियन यूनियन, जितना प्रतिबंध में ढील देना था उतना ढील दिया नहीं, है ना। अब बदले में क्या होता है कि बिजली बनाने में भी मुश्किल पैदा करता है, यह दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है। लेकिन अब वर्तमान संदर्भ में आ जाते हैं, यह तो अपना चल रहा था, ठीक है, अब वर्तमान संदर्भ में आ जाते हैं। वर्तमान में हुआ है क्या कि जैसा पता है कि इजराइल और गाजा पट्टी में आपका हमास के बीच में लड़ाई चल रहा है, और ये लड़ाई बढ़ते बढ़ते लेबनान होते हुए, यमन होते हुए ईरान तक पहुंच गया है ना। अब ईरान धमकी दे रहा है बार बार कि हम इजराइल पर वैसा हथियार चलाएंगे जैसा आज तक हम नहीं कभी चलाए हैं, यानी कि कुल मिला के वह अप्रत्यक्ष रूप से कहना चाहता है कि वह परमाणु बम चला देगा। तब से चर्चा और ज़्यादा शुरू हो गया कि क्या सही में ईरान परमाणु बम बना लिया है, क्योंकि अभी हाल ही में अक्टूबर का महीना में, अक्टूबर 2024 में आपका ईरान में एक भूकंप आया था, और लोगों का मानना था कि शायद ये परमाणु परीक्षण किया था, जिसके कारण ये भूकंप आया था, जिसके कारण यूरोपियन कंट्री में पूरा खलबली मचा हुआ है। इजराइल भी चिंतित है, इजराइल भी बीच बीच में ईरान के जो परमाणु साइट होता है, जो परमाणु प्रोग्राम चलाने वाला साइट होता है, रिसर्च साइट होता है, उस पर हमला कर रहा है। लेकिन आगे क्या होता है उसको हम लोग समझते हैं। देखिए बात को समझाते हैं आपको,
ये ईरान का परमाणु साइट है, मतलब जहाँ पर रिसर्च काम होता है। ये बंदर आवास है, इसको अच्छा से देख लीजिए, इस पर हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं। ये बंदर आवास है, ठीक है ना। ये ईरान हुआ, ये आपका बुशेर हुआ, नतांज, नतांज इसका बहुत ही फेमस आपका क्या है, न्यूक्लियर साइट है, ठीक है ना। यहाँ पर रिसर्च का काम होता है। तेहरान है, प्राचीन है, यहाँ पर अभी हाल ही में इजराइल हमला किया था, ठीक है ना। तो ये सब क्या है, ये सब साइट है जहाँ पर रिसर्च चल रहा है, परमाणु प्रोग्राम का रिसर्च सेंटर है, ये सब वहाँ पर रिसर्च चल रहा है, ठीक है ना। तो इसमें से बहुत सारे रिसर्च सेंटर को JCPO के तहत बंद कर दिया गया है, कुछ कुछ को चलाया जा रहा है, वो भी बिजली के लिए, ऐसा ईरान कहता है। लेकिन चोरी छुपे वो सभी साइट पर काम कर रहा है, जिसको वो क्लोज घोषित कर दिया है कि अब ये बंद हो चुका, फिर भी वहाँ पर छुप छुप के ये काम करता है, ठीक है ना। ये आपका साइट देख लीजिए, ये है। अब यहाँ पर हम लोग तीसरा पॉइंट पे जा रहे हैं कि अगर ये परमाणु बम बना लेता है, ईरान सच में परमाणु बम बना लिया है, तो अन्य देशों पर क्या असर पड़ेगा, विभिन्न देशों पर क्या असर पड़ेगा, जैसा कि हम लोग इधर चर्चा किए थे कि अब हम लोग बनाने वाले के अलग अलग देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगर परमाणु बम ईरान बना लिया है, तो इस पर चर्चा करते हैं। देखिए, अगर परमाणु बम अगर बना लिया ईरान, तो देखिए क्या असर पड़ेगा, आपको समझाते हैं हम। देखिए, ये आपका ईरान हो गया, और ये हो गया परमाणु बम बना लिया, मान लो परमाणु बम बना लिया, तो निश्चित ही ताकतवर हो जाएगा, ठीक है, पावरफुल हो जाएगा। अभी इतना पावरफुल हो जाएगा कि ये चाहे तो, यहाँ पर देखिए आपका हॉर्मुज है ना, और आपका पर्शियन गल्फ है, आपका यहाँ गल्फ ओमान है, ये सभी पर ये क्या करेगा, अपना दबदबा बना लेगा, ठीक है। और ये क्या है कि आपका कच्चा तेल जो होता है ना, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम का बहुत बड़ा ये ट्रांसपोर्टेशन का ये रूट है, ये पेट्रोलियम का बहुत बड़ा रूट है। और यहाँ से क्या होता है, यहाँ से यूरोपियन कंट्री को पेट्रोल सप्लाई मिलता है, ठीक है ना। तो अगर इस पर ये आपका ईरान का कब्जा हो जाए, दबदबा हो जाए इस रूट पर, तो यूरोपियन कंट्री को हमेशा ये ब्लैकमेल करते रहेगा कि ज़्यादा कुछ करोगे ये रूट ही ब्लॉक कर देंगे, नहीं जाने देंगे तेल। और आसपास के पड़ोसी देश निश्चित ही इसके प्रभाव में रहेगा, परमाणु बम बना लिया, परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा। तो वैसे भी अभी ये कुछ नहीं है, फिर भी यमन पूरा ईरान के प्रभाव में रहता है। दूसरी बात है, ईरान के प्रभाव में अभी यमन है, अगर परमाणु बम बना लेता है यानी परमाणु शक्ति संपन्न हो जाता है, तो यमन को और ये सपोर्ट कर सकता है, जिससे क्या होगा, ये आपका रेड सी है, लाल सागर है, यहाँ भी जो कि आपका यहाँ पर देख सकते हैं, ये रेड सी है, ये लाल सागर है, यह भी पेट्रोलियम का यानी कच्चा तेल का बहुत बड़ा रूट है, और व्यापारिक मार्ग भी है, ये आपका व्यापारिक मार्ग है, कच्चा तेल यहाँ से प्राप्त होता है, इस रूट से आता जाता है, क्योंकि मिडिल ईस्ट तो पूरा कच्चा तेल उत्पादक ही है ना, अब कच्चा तेल यहीं पर उत्पादन हो रहा है ना, तो निकलेगा तो बाहर तो इसी रूट से निकलेगा ना। और यहाँ पर अगर ईरान कब्जा कर ले, और यहाँ पर भी ईरान का दबदबा हो जाए, ईरान के कहने पर यमन, यहाँ पर जो यमन का जो हूती विद्रोही है, यहाँ पर जो तांडव मचाया रहता, तबाही मचाया रहता, अगर ये तबाही और मचाने लगे, तो फिर कहाँ से यूरोपियन कंट्री को तेल मिल पाएगा। बस अमेरिका और यूरोपियन कंट्री को यही डर है कि यहाँ पर ईरान को पावरफुल नहीं होने देना है, ठीक है। तो आपको जो चर्चा कर रहे थे कि विभिन्न देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो पहला आप समझ लीजिए कि यूरोपियन प्लस अमेरिका को कच्चा तेल लेने में दिक्कत होगा, दिक्कत होगा। क्यों दिक्कत होगा, आप समझ गए यहां पर। अब हम लोग आते हैं इजराइल पर, इजराइल और सऊदी अरबिया पर। अब देखिए, ईरान जो है फलस्तीन का सपोर्ट करता है, अगर ये परमाणु संपन्न हो जाता है, तो निश्चित ही है कि ये इजराइल के लिए सबसे खतरनाक टाइम हो जाएगा, क्योंकि अगर ये चाहे तो इजराइल पर परमाणु बम भी चला सकता है, ठीक है। तो इजराइल के लिए खतरनाक हो जाएगा इजराइल, क्योंकि ईरान फलस्तीनी का सपोर्टर है, ईरान फलस्तीन का को सपोर्ट करता है ना,
सपोर्ट करता है, ठीक है। तीसरा सऊदी अरब को देखते हैं, सऊदी अरब पे क्या असर पड़ेगा। बस संक्षेप में आपको कॉन्सेप्ट के लिए हम बताते जा रहे हैं, सऊदी अरब पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ईरान और सऊदी अरब में शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है ना, शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है। ईरान शिया है, सऊदी अरब सुन्नी है ना। सऊदी अरब और ईरान में शिया सुन्नी का लड़ाई चल रहा है, ठीक है ना। तो सऊदी अरब क्या है, सऊदी अरब सुन्नी है और ईरान क्या है, शिया है। निश्चित रूप से सऊदी अरब को यह क्या करेगा, दबा देगा, क्योंकि यह परमाणु शक्ति संपन्न हो जाएगा। कोई भी 57 मुस्लिम कंट्री है, इसके सपोर्ट में आना चाहेगा, ईरान के सपोर्ट में आना चाहेगा, ठीक है ना। तो यहां पर शिया सुन्नी का लड़ाई में सऊदी अरब डाउन हो जाएगा, सऊदी अरब पर प्रभाव पड़ेगा। तो सऊदी अरब भी नहीं चाहता है कि वो ईरान को परमाणु शक्ति प्राप्त हो जाए। भारत पर क्या प्रभाव होगा, इस पर हम लोग को ज्यादा ध्यान देना है। संक्षिप्त में तो बता दिए कि कौन देश पर क्या प्रभाव पड़ेगा, भारत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको समझते हैं हम लोग। देखिए, ये अपना देश भारत है ना, ये अपना देश भारत है। मैप जो है गूगल उगल वाला क्या करता है, गलत मैप बनाता है ना, इसको हम लोग पूरा लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा पाकिस्तान का भी एरिया एक्स्ट्रा ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना एरिया नहीं जाने देना है, ठीक है, पूरा ले लेना है इसे, ठीक है। ये आपका भारत हो गया। भारत का देखिए मुंबई है, मुंबई पोर्ट है, मुंबई पोर्ट से ईरान देखिए कैसे जा रहा है। यहाँ से रूट निकला, ये आपका अरब जो सागर, उसको पार करते हुए यहाँ चाबहार गया। ये चाबहार पोर्ट है और ये बंदर आवास है, बंदर आवास आपको बोले थे हम कि बंदर आवास पर ध्यान से देखिएगा। देखिए बंदर आवास फिर से आपको दिखा दे रहे हम, ये जो बंदर आवास है ये क्या है, ये आपका न्यूक्लियर साइट है। यहाँ पे परमाणु जो आपका कार्यक्रम चलता है यहाँ पर, है ना, यहाँ पे यूरेनियम का संवर्धन का भी काम होता है, ठीक है ना, ठीक है, यही बंदर आवास, ठीक है। देखिए तो यहाँ से एक चबाहर गया और यहाँ से ये बंदर आवास गया। अब बंदर आवास होते हुए ये तेहरान होते हुए सीधे सीधे जाता कहाँ, मॉस्को तक, ये रूट निकल जाता है, व्यापारिक मार्ग निकल जाता है। इस व्यापारिक मार्ग को कहते हैं INSTC, यानी इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, लिख दे रहे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, यह रूट निकला। ये तो चाबहार वाला तो अभी नया है, शुरुआत से ये रूट को फॉलो करता रहा और ईरान होते हुए सीधे सीधे वो कहाँ निकल जाता है, रूस निकल जाता है, मॉस्को से भी आगे निकल जाता है, चाहता है सेंट पीटर्सबर्ग, और फिर सेंट पीटर्सबर्ग से भी होते हुए चल जाता है यूरोपियन कंट्री। ये आपका भारत का व्यापारिक मार्ग है। आप थोड़ा देर के लिए समझिए, ये चाबहार जो है, अभी जो नया नया चाबहार पोर्ट मिला है, उससे भी एक रूट निकलेगा, ये रूट फिर जाके इसी में ही मिल जाएगा, जो INSTC है ना रूट, इसी में जाके मिल जाएगा, फिर यही रूट आगे बढ़ जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर न्यूक्लियर एजेंसी काम कर, न्यूक्लियर आपका साइट है ये आपका ईरान का, और मिडिल ईस्ट में हंगामा शुरू हो जाता, कोहराम शुरू हो जाता है, इजराइल यहाँ पर बम बरसाना चालू कर देता है, या अमेरिका यहाँ पर बम बरसाना शुरू कर देता है, तो ये रूट तो कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा, क्योंकि ये तो रूट इसी से जाता है, ये रूट कम्प्लीटली डिस्टर्ब हो जाएगा। चाबहार का भी रूट अंत में जाके इसी में मिलता है, यानी चाबहार का भी रूट खत्म हो जाएगा, क्योंकि ये रूट यहाँ पर बर्बाद हो जाएगा। आगे देखिएगा, आगे भी तेहरान के पास भी एक न्यूक्लियर साइट है, देख लीजिए, फिर से फोटो पे आपको हम दिखा दे रहे हैं, तेहरान के पास देखिए, यहाँ भी न्यूक्लियर साइट है, यहाँ पे प्राचीन भी है, ठीक है ना, अभी इस पर बम बरसाया था, अब यहाँ पर भी बम बरसाने लग जाए, यहाँ पर भी कहाँ गया तेहरान, यहाँ पर भी बम बरसाने लग जाए, तो आपका पूरा रूट ही डिस्टर्ब हो जाएगा। तो जिस रूट पर बम बरसाया जा रहा है, युद्ध का खाड़ा बन गया, वहाँ से व्यापार कहाँ से कर पाइएगा। तो भारत को क्या हो जाएगा, भारत को इस सब से लड़ाई से कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको व्यापारिक लॉस होने लगेगा, क्योंकि इसका सामान अब यूरोपियन कंट्री जाना बंद हो जाएगा। समझ गए बात को, भारत को यह सबसे बड़ा व्यापारिक लॉस होगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रूट ही है, इसलिए भारत चाहता कि इजराइल और ईरान का युद्ध बंद हो जाए, ताकि इसका अपना काम
भारत का अपना व्यापार चलता रहे, ये भारत को लॉस होगा। दूसरी बात है कि ईरान अगर यहाँ पर डिस्टर्ब हो जाएगा तो भारत ईरान से क्या लेता है, कच्चा तेल लेता है, कच्चा तेल का देन देश, कच्चा तेल का आपका भारत में वैल्यू बढ़ जाएगा, वैल्यू नहीं मूल्य बढ़ जाएगा, मूल्य बढ़ जाएगा। अगर कच्चा तेल का मूल्य बढ़ जाएगा, पेट्रोल का मूल्य बढ़ जाएगा, तेल का मूल्य बढ़ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सभी सामान का दाम बढ़ जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट खर्च पड़ेगा तो सामान का दाम तो बढ़ना ही बढ़ना है। तो इस तरह से भारत पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। दूसरी बात है कूटनीति दृष्टि देखिए, तो ईरान हो और इसराइल हो, दोनों भारत का सपोर्टर देश है, मित्र देश है, तो दोनों देश के बीच में अगर लड़ाई होगा तो भारत को कूटनीति बड़ा ही सशक्त रखना पड़ेगा, बड़ा बैलेंस करके चलना पड़ेगा, और यह करना बड़ा मुश्किल हो जाता है युद्ध के समय में। तो भारत के लिए कूटनीति दृष्टि से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को देखना पड़ेगा। तो इसीलिए अब भारत चाहता कि इस युद्ध को बंद कर दिया जाए। तो इस तरह से हम लोग देखने की कोशिश किए, समझने की कोशिश किए कि जो परमाणु बम बना लिया या बनाने कगार पर पहुंचा है तो उसका परमाणु पर कार्यक्रम क्या था, है ना। उसके बाद फिर आपका JCPOA देख लिए और विभिन्न देशों पर प्रभाव देख लिए। फिर जैसा भी होगा इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो हम लोग फिर से टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।